Ignited Minds Tutorials brings a comprehensive series of videos on quadratic equations and mathematics for Class X students. Whether you study under CBSE, Maharashtra State Board, or any other educational board, these videos will help you strengthen your knowledge in this topic. Quadratic equations, an essential part of Class X mathematics, often pose challenges for students. This series aims to simplify the subject, making it easier to grasp. The videos cover various aspects of quadratic equations, including factors, roots, discriminate, nature of roots, and solving word problems. Designed by experienced educators, the tutorials provide step-by-step explanations, making complex concepts more understandable. Detailed examples and practice questions help solidify your understanding and enhance problem-solving skills. The videos also include real-life applications of quadratic equations, highlighting their significance beyond academics. Accessible on YouTube, these tutorials offer the convenience of learning at your own pace and convenience. You can pause, rewind, and rewatch any part as many times as you need, ensuring a thorough understanding of the topic. So, if you're struggling with quadratic equations in mathematics, head over to Ignited Minds Tutorials YouTube channel and take advantage of this valuable resource. Enhance your knowledge, build confidence, and ace your exams with these comprehensive video lessons. Start igniting your mind today. ओके चलिए बच्चा वाड़ी यहाँ पे अपन कर रहे थे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला मेथड ठीक है ओके ओके तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है बोलो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए है ना ओके तो चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट क्विक 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 डन 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 आर वी डन विद दिस पीपल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा बोलो 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 यहां पे हो गया आपका x इज इक्वल टू बार बार ये लिखते रहो आपको अपने आप याद हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए इसको अपन किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ तो बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर अंडर रूट थ्री और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री आर वी क्लियर ठीक है ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन डालते हैं माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस b का स्क्वायर दैट इज 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a a की वैल्यू कितनी हो गई 4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3 अपॉन 2a 2a मतलब 2 इंटू 4 तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई साहब आपका माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 है कि नहीं 16 इंटू 3 दैट इज 48 माइनस यहाँ पे 4 4 जा 16 16 4 4 16 16 3 48 समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे भी 48 आ गया इधर कितना आ गया बोलो आपका 8 तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 अंडर रूट ऑफ 0 इज 0 तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो ये हो गया आपका माइनस 3 बाई 2 क्लियर एक ही रूट आएगा इसका माइनस 3 बाई माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 तो भाई साहब आप यहाँ पे 4x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है तो इसका पहला स्टेप क्या हो जाएगा अपन इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ और उसमें a b और c की वैल्यू को लिखेंगे ठीक है सो वी विल कंपेयर इट विद व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ तो a की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4 b की वैल्यू हो गई 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी 3 ठीक है c की वैल्यू हो गई 3 तो b स्क्वायर माइनस 4ac चाहे तो ऐसे करके कर लो तो दैट विल बी 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ पे आपका कितना आ गया भाई साहब 0 इसको अगर करना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 तो आपका यहाँ पे हो गया 4 अंडर रूट 3
सो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2. दैट विल बी द ओनली सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन. द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर माइनस अंडर रूट 3/2, या सिर्फ में लिख सकते हैं द रूट ऑफ द इक्वेशन इज माइनस अंडर रूट 3/2. ठीक है, स्विच वाला बंद कर देना, वो स्विच चार्जर वाला स्विच. हाँ थैंक यू. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट. पहला स्टेप क्या करेंगे नेहा, जल्दी 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 कंपेयर. वेरी गुड, किसके साथ कंपेयर करेंगे बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ. ए की वैल्यू शरायु फटाफट फटाफट, ए की वैल्यू बोलो 2. वेरी गुड. बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 1. वेरी गुड. सी की वैल्यू ओके. इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला बताइए क्या है. वेरी गुड, माइनस बी. वेरी गुड, वेरी गुड. अंडर रूट नहीं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, क्लियर है? ओके, ये फॉर्मूला लिखते रहिए, आपको याद हो जाएगा. ठीक है, चलो. सो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, माइनस 1. फिर वेरी गुड, अंडर रूट 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4. गुड, अपॉन 2 इंटू 2. गुड, ठीक है. कितना हो गया ये बोलो? ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ये 1 स्क्वायर का हो गया 1, माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 30. यार यहां पे गड़बड़ किया है कुछ हमने. बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके चलिए, यहां पे हो गया आपका माइनस 32 अपॉन, यहां पे कितना हो जाएगा 4. यहां पे कितना है बोलो? माइनस 1 प्लस माइनस, अंडर रूट माइनस 31 अपॉन 4. इसका भाई साहब कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है. जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ना कोई रूट आए. यहां पे इसका रूट पॉसिबल नहीं है. कोई बता सकता है क्यों? व्हाई इज नो रूट्स पॉसिबल? क्यों रूट्स पॉसिबल नहीं है बोलो? हाँ साइज सही बोल रही हो, बोलो. अरे अटेम्प्ट तो करो, या सही होगा या गलत. मेरे को लगा तुमने सही बोला. एनीवन एनीवन एनीवन. देखो अगर मैं बोलूं 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, अगर मैं बोलूं अंडर रूट 3 का क्या होगा 1.73 कुछ होगा ऐसा, है ना. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं माइनस 4 का अंडर रूट, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहां पे आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये भाई साहब आपका ये इरेशनल नहीं होगा. इट विल बी अ नॉन रियल नंबर. नेगेटिव नंबर, अगर किसी नंबर को हम ले रहे हैं जो नेगेटिव है तो ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा. इमेजिनरी, इट विल नॉट बी अ रियल नंबर. ये नॉट अ रियल नंबर हो जाएगा, नॉट अ रियल नंबर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसका कोई रूट नहीं होगा. समझ में आ रहा है ये? तो ये हो सकता है कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए. ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं. देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट. ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मतलब जीरो से लेस हो गई, तो आपका रूट्स नहीं आएगा. नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट्स तो नहीं होंगे. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, सो देयर विल बी नो रियल रूट्स. चलिए करके देखते हैं इसको. इसको पहले अपन ने क्या कंपेयर किया, किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के साथ. तो ए हो गया आपका 2, बी हो गया आपका 1 और सी हो गया आपका 4. बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो गया बोलो? माइनस अंडर रूट 31. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी. ठीक है, प्लस माइनस. ठीक है, अभी माइनस 31 इज लेस देन 0. ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल. समझ में आ रहा है? जब भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो जावे, जैसे यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 31. माइनस 31 इज लेस देन 0, तो अपन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0. ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल. ये रियल नहीं होंगे, दे डू नॉट एग्जिस्ट. इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं होगा. ठीक है, देयर विल बी नो वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन विल अज्यूम अ जीरो वैल्यू. क्लियर है? ओके 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 ओके. सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई साहब कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है. नो रियल रूट्स आर पॉसिबल. ओके चलिए भाई साहब, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट.
अगेन यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से फाइंड करना है। बताइए पहला स्टेप क्या करेंगे शीतल? x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, पहला स्टेप बोलो फटाफट। अरे तुम ट्राई करो, हाँ नहीं फॉर्मूला में तो अप्लाई करोगे ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। क्या तुमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? ए एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए, सोचो सोचो क्या करेंगे संकेत? एक्स स्क्वायर डिवाइड नहीं। पांडे क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए? x को मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, ठीक है गुड। तो यहां पे भाई साहब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ x का मल्टीप्लीकेशन तुम्हें क्या दे देगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस वन बाई x के साथ x का मल्टीप्लीकेशन तुम्हें क्या दे देगा? माइनस वन, ओके। यहां पे 3 के साथ x का मल्टीप्लीकेशन तुम्हें क्या देगा? 3x, क्लियर है। अब इसको भाई साहब इधर लेकर आओ, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी होगी? 2, और एक ही वेरिएबल का इक्वेशन है, सो नाउ इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्या करेंगे संजम, इसके बाद क्या करेंगे? कंपेयर, वेरी गुड, ठीक है। तो अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो भाई साहब शगुन, ए का वैल्यू एक्स कहां से होगा भाई साहब? ए की वैल्यू होगी 1, ठीक है। B की वैल्यू, हाँ नहीं नॉट 3, माइनस 3। C की वैल्यू माइनस 1, ठीक है ओके। तो भाई साहब अभी हम पहले निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4AC इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो तिवारी? बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 3 स्क्वायर, ओके। फिर माइनस, ये माइनस तो आएगा ना, 1 क्यों होगा, 4 कहां गया? ये 4 भी आएगा ना, 4 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर सी माइनस 1। भाई साहब साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस आप कहीं भी मिस कर जाएंगे पूरा सवाल गोलमाल हो जाएगा, ठीक है ओके। चलिए यहां पे माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया? माइनस 3 का स्क्वायर शरायू, अरे माइनस 3 का स्क्वायर कितना, हाँ नहीं माइनस 3 इंटू माइनस 3 ना चाची, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? इतना कंफ्यूजन क्यों है? माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस कर गया 9 आ गया ना, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस रहा, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 4, ठीक है। ये हो गया माइनस 4, सो दैट विल बी हाउ मच, 9 प्लस 4 दैट विल बी हाउ मच, 13। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू कितनी हो गई? बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू हो गई 13, ठीक है। चलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी तानिया, फॉर्मूला क्या है? गुड, वेरी गुड, अंडर रूट, गुड। बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a, ठीक है। चलिए अभी एक एक करके वैल्यूज लिखते जाइए। माइनस b मतलब कितना हो जाएगा अश्मिका, कितना हो जाएगा बोलो? यहां देखो ना, नहीं माइनस बी है, माइनस माइनस 3 होगा, समझ में आ रहा है? ये माइनस माइनस 3 प्लस माइनस, आप बताइए क्या लिख, माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, नहीं अभी लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, आपने वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है ना। यहां पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4AC को ऑलरेडी तुमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे सीधा सीधा क्या लिखोगे भाई साहब? यहां पे आप सीधा सीधा लिखोगे अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है, अपॉन 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 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, तो आपके भाई साहब प्लस माइनस है, ठीक है। तो एक रूट हो गया आपका क्या, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, दूसरा रूट क्या, 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके। सो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x, वी गेट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो।
इसको अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 3, सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चा पाड़ी कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ पे माइनस माइनस 4, तो 9 प्लस 4 दैट इज 13, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 13। अभी इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, माइनस बी के जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस बी के जगह पे आप लिखोगे माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस माइनस 3 हो गया आपका प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 और प्लस 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दो रूट्स हो गए भाई साहब आपके इक्वेशन। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों भी रूट्स आपके रैशनल हैं या इरैशनल, नहीं रैशनल कैसे होगा, तो मुझे बताओ 3 रैशनल है, 2 रैशनल है, लेकिन अंडर रूट 13 इरैशनल है। एक भी फैमिली में अगर इरैशनल रहेगा तो ये इरैशनल ही हो जाएगा। देखो इरैशनल हो सकता है लेकिन अनरियल नहीं हो सकता। अनरियल मतलब जो एग्जिस्ट ही ना करे, माइनस अंडर रूट 13 एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस अंडर रूट 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंस को समझो ठीक है। आपके जो नंबर सिस्टम में आपका एक रियल होता है, रियल में आपका आता है भाई साहब रैशनल और इरैशनल, लेकिन जो रियल नहीं ना हो उसका क्या रैशनल और इरैशनल। तो ये भले ही आपका रियल है, दीज आर रियल नंबर्स, हाउएवर दीज आर इरैशनल नंबर्स, द रूट्स आर इरैशनल, समझ में आ रहा है ठीक है, द रूट्स आर इरैशनल। जब तक आपका भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट पॉजिटिव स्क्वायर नहीं होगा तब तक आपको इरैशनल रूट्स मिलेंगे ठीक है, क्लियर है। टिल द टाइम द रूट, टिल द टाइम द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल दैट यू आर गोइंग टू गेट आर इरैशनल स्क्वायर्स, और इरैशनल आप बोल सकते हैं रूट्स ठीक है। आर वी क्लियर, ओके चलो भाई साहब इसको सॉल्व करना है फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट। हो गया डन, वन बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30 ठीक है भाई साहब। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, 1 इंटू एक्स माइनस 7 ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 ठीक है, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 सो दैट विल बी एक्स प्लस 4 ठीक है, 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज एक्स माइनस 7, 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज एक्स प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 11 बाई 30। आर वी क्लियर, चलिए भाई साहब यहां पे कितना हो गया एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी देखो यहां पे हो गया एक्स को आप पहले एक बार एक्स माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करो इस एक्स को इस पूरे के साथ, फिर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30, ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आ रहा है बोलो माइनस 11, यहां पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30 ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितना आ गया बोलो, दिस विल बी हाउ मच, माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30 ठीक है। तो अपन भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 28 और ये हो गया 28 9 10 2 प्लस 1 3 माइनस 308 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया माइनस 330 ठीक है। सो ये हो गया आपका 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस यहाँ पे 308 प्लस 330
that will be equal to 0. So that is equal to how much? 11x square minus 33x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, है ना, 330 माइनस 308 कितना आ जाएगा, 22 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 11x स्क्वायर, इसको भाई साहब सीधा सीधा डिवाइड कर दो किससे, 11 से, 11 जाएगा 11 से, 22 11 से जाएगा और 33 भी, तीनों भी 11 के टेबल में आते हैं. सो व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ. तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू माइनस 3 और सी की वैल्यू 2. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस 3 का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2. तो यहाँ पे हो गया आपका 2a, 2a मतलब हो गया आपका 2. तो इधर कितना हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस माइनस 3 कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी हाउ मच, माइनस माइनस 3 दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 3 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, अपॉन 2. तो ये हो गया आपका कितना, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2, तो मतलब 3 प्लस माइनस 1 बाई 2. तो इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बाई 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2. 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2, 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2. तो 4 बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया 2 और इसका वैल्यू हो गया 1. सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है, दोनों भी यहाँ पे रियल और रैशनल रूट्स हैं. ठीक है, ओके. तो आपका देखो यहाँ पे इस पूरे को अगर हम करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट पीपल? हम सेम देखो, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया. इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो आपका कितना आ गया, माइनस माइनस. सो दिस विल बी 4 बाई 2 और दिस, सो दिस विल बी 2 और 2 और 1. सो दीज आर द टू रूट्स, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1 एंड 2. आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके. चलो भाई साहब इसको कॉल है, लल्लू पंजू सवाल है. चलो वरत भाई साहब इसको बताइए, क्या पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हाँ कंपेयर, ओके किसके साथ, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस या वाई कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ. तो बताओ ए की वैल्यू कितनी, 3, ओके बी की वैल्यू कितनी, 9 और सी की वैल्यू कितनी, 4, ओके. तो आप पहले क्या स्टेप करेंगे, चाहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिए या तो चाहे तो डायरेक्टली कर दीजिए, मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली कर दो भाई साहब. आप यहाँ पे y को क्या लिखेंगे, y will be equal to माइनस बी, ओके अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है. माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अब बताइए माइनस बी चाची, अरे यहां पे क्या है, देखो बी की वैल्यू दी हुई है ना 9, तो क्या लिखोगी, इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा. अरे भाई साहब बी की वैल्यू 9 है और साथ में एक माइनस लगाना है, सिंपल माइनस 9 हो गया भाई. देखो ना यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 9, माइनस बी है तो माइनस लगाया और b की जगह पे 9 लिखा, सिंपल. प्लस माइनस की जगह पे क्या लिखोगी, प्लस माइनस, अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, ठीक है. अभी बताओ b स्क्वायर कितना होगा, 9 स्क्वायर, चलिए 9 स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 जा टेबल तुम्हारा क्लियर नहीं है, 9 9 जा 81, ठीक है. माइनस अभी क्या लिखेंगे, माइनस की जगह पे माइनस लिखा और आगे क्या है, 4, तो 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, ए की जगह पे
हाँ थ्री दिख रहा है एक ही जगह पे, थ्री लिखो भाई साहब, इतना कंफ्यूजन क्यों है? और फिर सी की जगह पे, सी की जगह पे फोर, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है ओके, अपॉन अपॉन अपॉन, फिर क्या लिखोगी? टू के जगह पे टू लिखो, और ए की जगह पे थ्री, ठीक है टू इंटू थ्री, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? माइनस नाइन प्लस माइनस, यहां पे कितना हो गया? 81 माइनस 4, 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है अपॉन 6, ये हो गया माइनस 9 प्लस 1, इसका कितना आ जाएगा बोलो? 9, 10, 11, 33 आ गया अपॉन 6, ठीक है क्लियर है? ये आएगा ना 33 आ रहा है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है? ओके तो आपके भाई साहब दो वैल्यूज हो जाएंगे, दो वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे बोलो? एक हो गया आपका माइनस 9 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 6, माइनस 9 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 6, सो दीज आर द टू वैल्यूज दैट यू गेट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम? समझ में आता भाई साहब? ओके ओके ओके, सो इज इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑन कंपेयरिंग? ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 4, सो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना हो गया आपका 33, सीधा सीधा डालो यहाँ पे भाई साहब आपका 6, तो आपका दो वैल्यूज हो गई क्या? माइनस 9 प्लस अंडर रूट 33 बाई 6 एंड माइनस 9 माइनस अंडर रूट 33 बाई 6, ठीक है ओके। चलो भाई साहब ये करना है, एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान भाई साहब, फटाफट पेंक है, बता भाई साहब पहला स्टेप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ओके कंपेयर किसके साथ कंपेयर करेंगे? वाई स्क्वायर लिख दो, चलो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। बताओ ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू 1, ओके चलिए भाई साहब, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9, ओके अब बताओ भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा? वाई वाई इज इक्वल टू माइनस बी, नहीं प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 ए सी बाई 2 ए, ठीक है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए, ओके माइनस बी की वैल्यू बोलो? माइनस 6, ओके प्लस माइनस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ 36, चलिए 36 माइनस 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 और सी की जगह पे 9, ओके चलिए भाई साहब अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 तो 2 हो गया आपका, माइनस 6 प्लस माइनस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 36 माइनस 36 अपॉन 2, सो दिस विल बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2, अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और किसी चीज को भी 0 से प्लस करो या माइनस करो वही चीज होगी, ठीक है सो दिस विल बी माइनस 6 प्लस माइनस 0 बाई 2, सो दैट विल बी माइनस 6 बाई 2 दैट इज माइनस 3, तो एक ही रूट होगा इसका माइनस 3, ठीक है माइनस 3 विल बी द ओनली रूट दैट वी विल बी हैविंग। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब? कंपेयर कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1, b is equal to 6 and finally c is equal to 9, so obviously we get b square minus 4 ac is equal to 0, so that will be minus 6, so that will be minus 3। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाक से, क्विक क्विकर क्विक है, जल्दी से करनी है भाई साहब। डन 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 बच्चा बाड़ी, पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सो हम कंपेयर, ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो हम टू, वेरी गुड, बी की वैल्यू 5 रूट 3, वेरी गुड, सी की वैल्यू 16, ओके तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो?
फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ठीक है, चलिए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे, माइनस फाइव अंडर रूट थ्री प्लस माइनस यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज टू इंटू सी दैट इज सिक्सटीन। ठीक है, अपॉन टू ए, तो टू ए मतलब टू इंटू टू, सो दैट विल बी हाउ मच, माइनस फाइव अंडर रूट थ्री प्लस माइनस यहां पे फाइव अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फाइव अंडर रूट थ्री का स्क्वायर अगर अपन देखें तो कितना होगा, देखो फाइव अंडर रूट थ्री इंटू फाइव अंडर रूट थ्री दैट विल बी हाउ मच, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री कितना हो गया थ्री, सो ट्वेंटी फाइव थ्री जा कितना हो गया सेवेंटी फाइव। समझ में आ रहा है ये, फाइव अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना आया सेवेंटी फाइव, माइनस फोर टू जा एट, एट इंटू सिक्सटीन कितना हो जाएगा सिक्स एट जा फोर्टी एट, एट वन जा एट प्लस फोर ट्वेल्व, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब 128, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, 2 इंटू टू आपका ये वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नॉन रियल रूट्स हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा, और घड़ी देख, ये क्यों होगा ऐसा, डिटर्मिनेंट अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 128 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 5 गया 3, 7 प्लस 5 तो ये हो गया आपका माइनस 53, ये हो गया माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये आपका भाई साहब नॉट अ रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अगर आपका जीरो से लेस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है रियल रूट्स की। ठीक है, ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 अंडर रूट 3, सी की वैल्यू 16, तो यहाँ पे हो गया माइनस 53। अगर हम इसको डालते हैं तो ये हो गया आपका कितना, माइनस 53 इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है भाई साहब, तो ये आपका कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके देखो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया 33, क्या अपन बोल सकते हैं 33 इज ग्रेटर देन जीरो, 33 इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को अपन कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं या कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन अ ट्राइंगुलर फॉर्म और इन कैपिटल डी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया 33, इज 33 ग्रेटर देन जीरो, यस, सो डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, hence roots of the quadratic equation are real and unequal। तो यहाँ पे real और unequal roots मिले आपको, कैसे भाई साहब, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या क्या roots मिले थे, यहाँ पे देखो what were the roots that you got, तो यहाँ पे roots आपको क्या मिले, देखो ये unequal roots हैं, एक में माइनस नाइन प्लस अंडर रूट 33 बाई 6 रियल है, इरेशनल भले ही लेकिन रियल है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस नाइन माइनस अंडर रूट 33 बाई 6 इरेशनल है लेकिन रियल है। ठीक है, तो अनइक्वल रूट्स मिले हैं आपको, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी। ठीक है, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज द रूट्स आर अनइक्वल। अगर आपका बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो है तो आपको क्या मिल रहे हैं, टू रूट्स, टू दो रूट्स मिल रहे हैं, और ये दोनों भी रूट्स आपके क्या हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, एंड रियल, अनइक्वल एंड रियल, तो यू सी दीज टू रूट्स, they are unequal and real। ठीक है, अगर b square minus 4ac किसके बराबर है, जीरो के बराबर, देखो यहां पे b square minus 4ac किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो आपको क्या मिल रहे हैं, एक ही रूट, वन रूट, या हम बोल सकते हैं बोथ रूट्स आर इक्वल, ऐसा भी बोल सकते हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहे अगर आप दो रूट बोल रहे हो तो दोनों रूट इक्वल हो गए, अगर आप एक ही रूट बोले तो यहां पे देखो दो रूट आ गए। ठीक है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस थ्री, एक ही रूट होगा, या तो अगर आप दो रूट बोले दोनों इक्वल होंगे। अगर आपका भाई साहब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ रियल नंबर, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट के हिसाब से आपका रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपका यहां पे समझ लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अभी ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसी पे आपका रूट डिटर्मिन होता है, ठीक है। और इसको अपन या तो कैपिटल डी से या तो ट्राइंगल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। तो तीन केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बना, ठीक है, व्हेन डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप सीधा यहां पे बोल सकते हो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। दूसरा केस आपका क्या बनता है, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। रूट्स आर, हम यहां पे भी बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या अपन बोल सकते हैं ओनली वन रूट एग्जिस्ट, ओनली वन रूट एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा अगर लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो, तो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये लेस देन जीरो हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द रूट्स आर अनरियल, ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट रियल रूट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये आपके तीन केसेस हो गए एज पर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, एज पर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये 33 ग्रेटर देन 0, तो यस, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अभी यहां पे आते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर 0 हो जाता है, तो अगर आपका भाई साहब क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज डिटर्मिनेंट is greater than 0 or d is greater than 0, तो अपन क्या बोल सकते हैं, roots of the quadratic equation are real and unequal. अगर भाई साहब b square minus 4ac आपका 0 हो गया, hence roots of the quadratic equation are real and equal. या तो आप बोल सकते हैं only one root exists, ठीक है। और अगर भाई साहब आपका b square minus 4ac, ठीक है, is less than 0, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं b square minus 4ac is less than 0, that is delta is less than 0 और determinant is less than 0, roots of the quadratic equation are not real. तो हमको non-real roots मिल गए. Are we clear? Okay, okay, okay. तो यहाँ पे भाई साहब क्या है आपका? Delta is greater than zero. Delta यहाँ पे greater than zero है, यहाँ पे delta is equal to zero है, और यहाँ पे delta less than zero है. ठीक है? Okay, okay, okay. Find the nature of the roots of the following quadratic. तो यहाँ पे आपको nature of the roots पूछा है. पूरे quadratic equation को solve नहीं करना है. B square minus 4ac से ही आप पता लगा सकते हो. ठीक है, मुझे बताओ यहां पे एक, तो आप पहले क्या करेंगे, यहां पे क्या पूछा है देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले अपन करेंगे कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ. ठीक है, बताओ मेरे को ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर अंडर रूट 3, है ना, बी की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी आ गई माइनस फोर अंडर रूट 3, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, वी पीपल यहाँ पे b की वैल्यू देखो माइनस फोर अंडर रूट 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. अभी अगर हम करें b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये कितना आ गया बोलो, b स्क्वायर मतलब कितना हो गया माइनस फोर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, फोर फोर जा 16, 16 थ्री जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, कितना आ गया बोलो 0. तो क्या हो जाएगा आपका, तीन कंडीशंस हैं. एक कंडीशन क्या हो गया, अगर आपका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर, रूट्स आर क्या हो जाएंगे, आर रियल एंड अनइक्वल. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो यहां पे क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहां पे क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट.
नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहां पे क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, ठीक है। यहां पे भाई साहब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो यहां पे आपके रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आई एम सो सॉरी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स आप देखो यहां पे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई भाई साहब -4 अंडर रूट 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। तो अब डिटरमिनेंट बी स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, दिस विल बी 16 माइनस, तो ये हो गया आपका 0, बी स्क्वायर -4ac आपका 0 हो गया। सो द टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अभी चाहे तो आप कर लो, ठीक है। अगर आप वैल्यूज डालोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट का वैल्यू -4 अंडर रूट 3 प्लस -0 2 इंटू 3, तो आपके मेरे को रूट्स क्या आ जाएंगे, वही सेम रूट्स, देखो 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, तो मतलब आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस जीरो कर रहे हो, जीरो को किसी नंबर से प्लस करो या माइनस करो, आंसर वही नंबर आने वाला है, ठीक है। सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 3, तो आप ऐसे लिख सकते हो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, ये सेकंड पार्ट है सवाल का, लेकिन पहले आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। कभी कभी सवाल सिर्फ यहाँ पे ही एंड हो जाता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, ठीक है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर -4ac फाइंड करना है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर -4ac यू आर गोइंग टू गेट द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज बेसिकली बी स्क्वायर -4ac, इसको अपन कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट, तो आपके भाई साहब इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा आपका, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है ये। अगर आपका बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, तो टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। एंड इफ बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, ठीक है। सो बी स्क्वायर -4ac दैट इज इफ डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, एंड इफ डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। ओके, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ द रियल रूट्स एंड फाइंड देम, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 2x² -3x + 5। फटाफट से बताओ तिवारी, इसका पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयर किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी, 2, ओके, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5, ओके। चलिए a की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 2, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। ओके, मुझे बताइए अभी पहला क्या करेंगे अपन, बी स्क्वायर -4ac करेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो गया भाई साहब, 2, और सी कितना हो गया 5, है ना। तो यहां पे कितना हो गया 9, -4 2 8, 8 5 40, तो ये कितना आ गया बोलो, -33। क्या ये समझ में आ रहा है, अब बताइए इसका क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रूट इसका नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस हम यहां पे लिखेंगे, सिंस बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स आपसे यहां पे पूछा है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, हेंस व्हाट टू फाइंड, क्या फाइंड क्या करना, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। ओके, सो आप देखो यहां पे अगर ए बी और सी को कंपेयर करें अपन, तो यहां पे हो गया आपका कितना, बी स्क्वायर -4ac, ये आपका लेस देन 0 है, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, तो इसमें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, संजम क्या हो जाएगा बोलो, पहला क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओके, किसके साथ, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी टू, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस सिक्स, और सी की वैल्यू कितनी हो गई थ्री, ठीक है, क्लियर है। ओके पहला क्या करेंगे अब बताइए, फिर क्या करेंगे 4ac, ओके चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया बोलो, ये b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू टू ओके इंटू थ्री, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, 6 माइनस सिक्स का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है 36 माइनस 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे, 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 12 है ना, अगर हमने इसका अंडर रूट किया, देखो अगर हमने इसका अंडर रूट किया तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12, तो अंडर रूट 12 आपको कितना दे देगा 4 इंटू 3 दैट इज 2 अंडर रूट 3 दे देगा, सो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या ये देखो यहाँ पे कितना आया 12 आया पॉजिटिव है, ठीक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 काम करो भाई साहब, यहाँ पे अपन ने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली 12 विच इज ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंड रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे अगर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac करें तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3 दैट विल बी 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2 अंडर रूट 3, क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अभी, तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कहीं कहीं पे आपका इक्वेशन ऐसा भी लिखा रहता है देखो माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2a या माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी कितना हो गया आपका यहाँ पे माइनस बी मतलब हो गया माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 4, यहाँ पे कितना हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2a, 2a मतलब आपका कितना हो गया 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है क्लियर है। इसमें से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो 2 को, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 4, इसको कैंसिल कर दो भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो दो रूट्स आपके क्या क्या हो गए 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है क्लियर, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन देम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 6, c का वैल्यू 3, ये हो गया 12, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 प्लस, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, तो x की एक वैल्यू हो गई 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है ओके 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 सही टाइम पे थैंक यू हो गया रे।